सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज की वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए भर्ती है जिनका ओवर एज हो गया दोस्तों, 18 से 53 साल की एज में यदि आप हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है और वो भी फौज में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। जो लोग बरसों से टीए इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और जो अग्निवीर से ओवर एज हो गए हैं यदि वो वर्दी पाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आर्मी ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों, ये जामनगर में वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, इसमें कैसे दौड़ कराया जाएगा, इसमें दौड़ और कुछ भी नहीं होगा, इसमें बस डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आप लोगों को वेतन कितना दिया जाएगा, मानसिक वेतन जो होता है, इसमें मेल फीमेल पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो अंतिम तिथि है क्या है, सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो तक अंत तक बने रहें और सारी चीजें आप लोग समझें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। और यदि आपको ये फॉर्म आप लोगों को प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, इसमें देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस चीज की वैकेंसी दोस्तों। देखिए ECHS जामनगर, जामनगर की वैकेंसी, इसमें क्या क्या मांगा गया है, रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट क्लीनर फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, 8 पास और 12th पास ग्रेजुएट होना चाहिए आप लोगों को। 8 पास के लिए दोस्तों क्लीनर यानी सफाई वाली वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन के लिए फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों। तो इसमें लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट दिखाया गया है 24 जुलाई, यानी 24 जुलाई तक आप लोगों का लास्ट डेट है, तो फॉर्म आप लोगों को अप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, किस प्रकार भरना है, कहां से मिलेगा, तो फॉर्म आप लोगों को मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक सर्विस मैन वाले हैं, वीडियो बनाते हैं जो फॉर्म 30 और 30-50 रुपए में बेचते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को फ्री फॉर्म दे रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना और चीजों को समझना दोस्तों। यहां पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, वैकेंसी जो है जामनगर की है, यहां पे आप लोग देख लीजिए, इसमें सभी जातीय अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ओबीसी एससी जनरल कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है इसकी दोस्तों 25 जुलाई, और यहाँ पे देख लीजिए जामनगर में वैकेंसी है, और आप लोग इससे इस ग्रुप से अगर जुड़ जाते हैं तो हर फॉर्म आप लोगों को मिल सकता है। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, सफाई कर्मी फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका योग्यता होना चाहिए 8वीं और 12वीं और स्नातक। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वेतन कितना है, आयु कितना मांगा गया है, और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आप लोगों की, यहाँ पे देखना दोस्तों पद का नाम जो है, पद का नाम, आयु, वेतन, योग्यता, यहाँ पे देख लीजिए। सफाई वाला पद का जो नाम है, सफाई वाला यानी सफाई कर्मी जो फौज में होते हैं सफाई कर्मी, उनका वेतन कितना है, 18 से 55 साल आयु होनी चाहिए, 18 से 55 साल के बीच में है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और आपका वेतन है 16,800, मानसिक आप लोगों को मिलेगा 16,800 पर महीने आप लोगों को मिलेगा। पढ़ना लिखना जानते हो, बस केवल आप लोगों को पढ़ना लिखना आता हो, और 8वीं पास का सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी 18 से 58 साल की एज होनी चाहिए, 18 से 58 साल सोचिए, और इसमें योग्यता है 28,100 रुपए महीने मिलेंगे आप लोगों को। योग्यता क्या है, इसमें वेतन 28,000 महीने आप लोगों को मिलेंगे, और जो आप लोगों की योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए, और GNM डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए दोस्तों। तीसरा नंबर आते हैं फार्मासिस्ट की दोस्तों, इसमें भी 18 से 58 साल की आप लोगों की उम्र होनी चाहिए, और 28,100 रुपए आप लोगों को प्रति महीने मिलेंगे सैलरी। इसमें 12वीं पास होना चाहिए, फार्मासिस्ट डिप्लोमा की डिग्री होना चाहिए आप लोगों के पास। तो फिर इधर आयु सीमा की गणना जो की गई है, आयु सीमा की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी दोस्तों, और इसमें आवेदन भेजने का पता ये आप लोगों का है, इस पते पे आप लोगों को आवेदन भेजना है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। और यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं PDF सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस पते पे आप लोगों को फॉर्म भेजना है दोस्तों, इस पर आवेदन आप लोगों को इस पते पे भेजना है दोस्तों।
ठीक है ना, ये इसका पिन कोड नंबर है, जामनगर जिला रोड जामनगर पे आप लोगों को इस पते पे आवेदन को अपने भेज देना है फिलअप करके, और डाक के द्वारा इस पते पे आप लोगों को आवेदन भेजना है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट क्या क्या इसके साथ भेजना है। इसके साथ सिर्फ आप लोगों को फोटो कॉपी सर्टिफिकेट भेजना है, बाकी जो सर्टिफिकेट आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान लगेगा तो उसको आप लोगों को नहीं भेजना है, उसको अपने साथ में लेके जाना है 25 तारीख तक जब आप लोगों को बुलावा आएगा दोस्तों। अब इसमें आप लोग देख लीजिए सर्टिफिकेट क्या क्या मांगा गया है, इसके साथ क्या क्या भेजना है, आधार कार्ड व पैन कार्ड की मतलब फोटो कॉपी भेजना है, 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक की डिग्री भेजना है आप लोगों को फोटो कॉपी, मेडिकल यानी कि फार्मासिस्ट की आप लोगों की डिग्री वहां पे भेजना है, पीओपी डिस्चार्ज बुक यानी कि जो लोग अर्ध सैनिक जो लोग डिस्चार्ज हो गए हैं उनका जो बुक मिला है उसको भेजना है, यानी कि एक्स सर्विस मैन के लिए है, एक्स सर्विस मैन के अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखा जाएगा, फादर्स नाम मदर्स नाम, ठीक है ना, एड्रेस अपना भरा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भरा जाएगा, एज कितनी है वो भरा जाएगा, इसी प्रकार आप लोगों को ये फॉर्म मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो फॉर्म आप लोगों को फ्री मिल जाएगा, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, जो लोग बरसों से टीए की तैयारी कर रहे थे टीए की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर वैकेंसी आ गई, ऐसी वैकेंसी नहीं मिलेगी, पद भी इतने बहुत अच्छे हैं, यदि आप जाना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती है लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है और लोग भूल जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि वैकेंसी खाली चली जाती है। तो मैं आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, फॉर्म वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग भी फॉर्म भर के अपने सपने को साकार कर लीजिए, अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। तो चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।